दुनिया गई भाड़ में, हम चले कुतुब मीनार में। गाइस वन प्लस में भी फोल्ड आ चुका है भाई। यार अगर आप ले लेंगे इधर केजरीवाल बच्चे वाले तो किसको जो असलामुअलैकुम दोस्तों, सत श्री अकाल, वेलकम द न्यू व्लॉग। गाइस फिर से संडे आ चुका है और एक और यूनिक सा व्लॉग लेकर पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर बैठे हुए हैं। आज हमारा व्लॉग पंजाबी बाग स्टार्ट हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप बताएं? कुतुब मीनार। और गाइस दिल्ली मौसम कुछ आज ये कोहरा है या क्या है आई डोंट नो, आपको दूर से देख रहा फॉग दिख रही होगी बहुत ज्यादा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या है ये दिल्ली का पोल्यूशन है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा जैसे कि पोल्यूशन या जो भी कह ले आप। तो गाइस बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसा सीन है, देखिए बिल्डिंग यही पास में है, ज्यादा दूर नहीं बट दिख नहीं रही। हमारे वहाँ जब ऐसा होता है यूपी वगैरह में तो हम लोग कहते हैं कि कोहरा आ गया, ठंड बहुत ज्यादा भर, और यहाँ ऐसा होता है तो समझ लो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो आज पोल्यूशन है तो गाइस आज मास्क लगा के हम लोग, तो मास्क है मास्क नहीं है, कोविड खत्म तो मास्क खत्म। तो मेरे पास है गाइस, तो मैं मास्क लगा के घूमूंगा और बहुत ज्यादा अच्छा आज व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं कुतुब मीनार। यहाँ से 1.5 घंटे की मेट्रो है, तो चलते हैं जर्नी एंजॉय करते हैं और आपको भी बहुत ज्यादा एंजॉय कराएंगे आज हम। गाइस हम लोग आ चुके हैं कुतुब मीनार और अभी लेते हैं टिकट, और टिकट के लिए भाई बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, भीड़ चेक करें गाइस टिकट लेने के लिए मैं कहाँ लगूं। तो इस भाई ने वहाँ से स्टार्ट किया था, आखिरकार यहाँ पहुँच ही गए। काउंट कर रही है कितने लोग खड़े हैं, अंदाजा बता दो। 456 उधर चलिए उधर चलिए भैया, आप लोग पीछे लाइन में लगे। आप बोलो जाके, अरे तोहित भाई, तोहित भाई डबल डबल मेरा फ्री ले लूंगा, 40-80 का पड़ेगा। मैंने 1 घंटे से लाइन में खड़े हूँ, सब कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। क्यों जाना लंगा हो जाए किला खाली नहीं सभी लोग। भाई यार अगर आप ले लेंगे इधर केजरीवाल बच्चे वाले तो किसको तो जो के लिए आधा घंटा लाइन लगने के बाद मिला है टिकट। चोर थे जीने वो तबरी बहुत आ रही थी बीच में। टिकट टिकट ही है, टिकट ही है, कॉइन है, वही अली मेट्रो में पहले जैसे चलते थे वही है। ये लो सीन ऐसा हो रहा था कि लोग आ रहे थे, मैं उनको बिगड़ लाइन के मैं उनको सीटी जो मार रहे थे ना वॉचमैन, उनको बार बार बुला के मैं सबको भगवा रहा था वहाँ पे। वो तफरी बहुत ज्यादा चल रही थी। तो गाइस बाकी के बात खत्म करते हैं, चलते हैं जल्दी से कुतुब मीनार। तो गाइस कुतुब मीनार के टिकट मिलते हैं इधर इस साइड में और फिर रोड के इस साइड क्रॉस करके यहाँ पे इधर। गाइस कुतुब मीनार आपको सॉरी सॉरी सॉरी, भीड़ बहुत ज्यादा ही है तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें या ना करें, ये कैसे मिलके टिकट निकाल ले हमारा कर दीजिए, हो गया हम जाएं। ये वाओ, तो गाइस जो एंटर कर चुके हैं हम लोग कुतुब मीनार के अंदर, हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल अंदर कुतुब मीनार। सामने रहा कुतुब मीनार, ये रहा मेरा भाई, दुनिया गई भाड़ में, हम आ गए कुतुब मीनार में। वो वाला हाल हो रहा है, यहाँ पे सबसे अच्छा सीन ये रहता है ये वाला जो फोटो शूट वाला, यहाँ पे तुम्हारा हम फोटो शूट कराएंगे कुतुब मीनार को। देखो ऐसे पकड़ के जैसे ये लोग खिंचवा रहे, खींचते हैं पहले नहीं यार अच्छा लगता, खिंचवा दे नहीं खिंचवाओगे यार, ये गलत बात है यार, कम से कम वाला फोटो खिंचवाना चाहिए वैसे वाला। देखो बच्चे लोग सब हाथ में कुतुब मीनार वैसे हाथ में पकड़ के लोग ऐसे नहीं खिंचाते थे पहले, वही वाला यहाँ पे बना हुआ है कुतुब मीनार, बहुत लंबा है यार। फाइनली फर्स्ट टाइम हम कुतुब मीनार देखे। हाँ तो गाइस ये फर्स्ट टाइम पर आए हुए हैं कुतुब मीनार और मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ ब्लॉग में, फर्स्ट
टाइम पर है। सबसे पहले कुतुब मीनार का नक्शा चेक करें और ये सब डिटेल में लिखा हुआ है, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और फ्री वाईफाई भी है। ये अलग तरीके से मैप बनाया गया है। धीरे धीरे हम लोग कुतुब मीनार के करीब आते जा रहे हो, कुतुब मीनार और बड़ा होता जा रहा है और सूरज के साथ में काफी खूबसूरत लग रहा है। कुतुब मीनार के ऊपर जाने का मौका मिलेगा तो ऊपर भी जाएंगे। कुतुब मीनार में पहले जाने देते थे, अब बंद हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त है यार, लव दैट। संडे को सच में घूमने का मजा अलग लेवल के आते। खड़े हुई मैं आपके कुछ फोटोज क्लिक कर दूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे। गाइस अभी मैं आपको बहुत ही मिस्ट्री चीज के बारे में, जो इंडिया की सबसे ज्यादा मिस्ट्री चीज है, आयरन पिलर। आयरन पिलर तो आप देख ही रहोगे गाइस, ये जो सीन होने वाला है ये बहुत कम कैप्चर होता है। वहाँ से आ रहा है प्लेन, क्या सीन हो रहा है भाई। भैया साइड में हो जाओ, भैया साइड में। वाओ लव दैट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, लव दैट, सही है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी सीन मेरे कैप्चर। मैं बता रहा था आयरन पिलर के बारे में गाइस। ये आयरन पिलर है इंडिया की सबसे ज्यादा मिस्ट्री है। आज तक पता नहीं कितने साल हो गए इस पिलर को यहाँ लाए हुए, ये कहीं और से लाया गया था। बताते इस पिलर में आज तक कभी भी जंग नहीं लगा, बारिश होती है, धूप लगती है, सर्दी होती है, सब आता है, बट ये पिलर ऐसा ही रहता है। जैसे ये हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता है ना, वैसे ये हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता है, तो इसमें कभी भी जंग नहीं लगा। हर लोहे में जंग लगा, इसमें जंग नहीं लगा। लोहे का खंभा कह लो हिंदी में और इंग्लिश में आयरन पिलर। आप कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा लोहा लगा जिसमें जंग नहीं लगता, ऐसा कौन सा लोहा है। देखते हैं कितने लोग काबिल हैं, कितने लोग टैलेंटेड हैं, बताएं गाइस, सर्च करें। अभी हम लोग पोजीशन में आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पे पिलर वगैरह लगे हैं। हम लोगों ने कुछ फोटोज यहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट करी हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है, मजा आ गया काफी ज्यादा यहाँ पे लोकेशन पे आके, और फोटो शूट के लिए बहुत ही प्यारी लोकेशन है, आई लव इट। डिटेलिंग समझिएगा गाइस, उस टाइम पर इतनी कलाकारी, क्या कहोगे आप, उस टाइम पर इतनी कटिंग, लाजवाब कलाकारी है ये, लाजवाब कलाकारी, कोई नहीं बना सकता ऐसा। कि आज के टाइम पर तो इतनी टेक्नोलॉजी है तो उससे बन जाएंगी, बट तब भी ये चीज ऐसा नहीं बना पाएंगे सच में। और हर पिलर पे अलग अलग, और स्तंभों का सब मतलब है। मुझे इतनी तो नॉलेज नहीं कि मैंने इतनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। हिस्ट्री वाले इनके लिए नहीं है हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो इस वजह से। बाकी बहुत ही अच्छी लोकेशन कुतुब मीनार, तो सबको पता होगा। अभी हम लोगों ने ये वाला पोर्शन पूरा ले लिया है, कवर कर लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं साइड में पार्क। यहाँ पे तो शीशे लगे हुए हैं यार गाइस, वो नाइट में यहाँ का व्यू काफी ज्यादा अच्छा था। और भीड़ कम नहीं हो रही, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, तो ये अच्छा है कि लोग यहाँ पे, बच्चे बहुत ज्यादा कूद रहे हैं, बहुत ज्यादा कूद रहे हैं बच्चे, बड़े हो गए, हम भी तो बच्चे ही हैं। सही बात है, हम भी बच्चे ही हैं। हमारे पीछे का कुतुब मीनार है और हम हैं मीनार के आगे, और इधर अब चलेंगे हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि बहुत देर से हम लोग सिर्फ फोटो शूट और वीडियो वगैरह में इतने बिजी हो गए हैं कि इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ क्या करें। इतना इनको अच्छा ही लग रहा है, फर्स्ट टाइम बहुत बढ़िया है, यहाँ मजा आया। क्या आपको पत्थर के पीछे ले चलेंगे, वहाँ पे हमने एक बार लॉकडाउन के बाद हम आए थे भैया लोगों के साथ में, तब मैंने एक वीडियो शूट करी थी, वैसे वीडियो आज मैं फिर शूट करूंगा। वो थी गजल, थी उसी गजल पे आज फिर से वीडियो शूट करेंगे। क्या कह रहे हैं, गजल कौन सी थी, गजल, मोहसरा है मोहब्बत की दिल की आवारगी, हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी। यहाँ पे बनाई थी मैंने वो वीडियो। दुनिया गई भाड़ में, हम चले कुतुब मीनार में, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, और यहाँ से कुतुब मीनार के व्यू जो मिल रहा है, फोटो शूट हुए हैं वो बहुत ही प्यारे हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त है, काफी अच्छे मजे आ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी ग्राउंड वगैरह भी, यहाँ पे भी आप बैठ के चिल कर सकते हैं, और पब्लिक वगैरह फुल एंजॉय कर रही है। और अभी हम लोग इन पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोगों ने फोटो शूट वगैरह किया है और अब इसके अंदर जा रहे हैं हम लोग। वाह प्यारी यार, लव दैट लोकेशन, जहाँ भी जाओ वहाँ भी अच्छा लगता है। और फोटो खिंचवाने के लिए तो भाई यहाँ पे हर जगह, क्या हो रहा है, फैमिली वाले फोटो क्लिक करवा रहे हैं, और क्या हो रहा है, नथिंग स्पेशल, जो आप सोच रहे हैं वो यहाँ नहीं होता है, उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अभी आप कहाँ घूम रहे हैं, पहाड़ों में पहाड़ जितनी फीलिंग्स आ रही हैं कुछ, ये जो ऐसा लोकेशन समझिए बहुत ही अच्छी है, और ये जस्ट पता कहाँ पे है, ये जस्ट यहाँ पे, इधर जब आप आएंगे। ईंटों की दीवार देखी थी, ये काहे की दीवार है, पत्थर की पत्थरों की दीवार, तो उस टाइम पर ये बनाया गया होगा, तो ये आ गई पत्थरों की दीवार, तुमने हमेशा उसकी देखी, ये देखो इसके अंदर भी देखते हैं जाकर, ये क्या यार,
डरा दिया यार कबूतर ने, तो कबूतर ने डरा। बाकी इसके अंदर बहुत ही वैसी फीलिंग्स है। झाड़ू रखी, सफाई कर दिया करो आकर। एयरग्राफ जब निकलता है फोटो शूट जो कैप्चर हो जाती है, हम लोगों ने भी बहुत ही प्यारी मोमेंट कैप्चर की थी जो आपने शुरुआत में विजिट कर ली हो। अब भीड़ बहुत ही ज्यादा है गाइस। अभी एक टूरिस्ट ने बताया कि ये उस टाइम पर स्कूल मदरसा था, उस टाइम का वो इस्लामिक मदरसा था। ये वहाँ पे क्लासरूम बनाए गए थे जहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, और वो अंदर कंस्ट्रक्शन था, जैसे को कुछ बना रहे होंगे, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, बट यहाँ पे ये अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है और ये कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट है, मदरसा है ये गाइस। उस टाइम पे मदरसों पे इतना पैसा खर्च किया जाता था, लोग करते थे राजा महाराजा। स्टडी पे हमेशा फोकस करना चाहिए, हर सेक्टर को, हर चीज को फोकस करना चाहिए, हर इंसान को फोकस करना चाहिए स्टडी पर। तो आप भी करें, हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी निकाली ली, निकाली नहीं अभी तो स्टार्ट करी है। आधे से ज्यादा तो कट गई, वो वापस लेके आएंगे कैसे, अंदर घर में खर्च हुई है। हफ्ते में एक बार घूमेंगे सारी, कब बैक सब सब बैक। हाँ सही है। तो यार काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बट जो मैं थक काफी ज्यादा गया हूँ, अब करूंगा थोड़ा सा फोन। होल ग्राउंड, पूरे ग्राउंड में अकेली खड़ी होके ये लड़की फोन यूज करी, छोटी सी क्यूट थी बच्ची, अपने पापा से रो रो के फोन लिया इसने। ये देखो आजकल के बच्चों को भी ना गाइस, फोन के बिना कुछ नहीं है, उनको भी प्रॉपर फोन चाहिए चाहिए। पहले फ्लोर्स कैसे बनते थे गाइस, दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, ऐसे ही तो लग रहा है। तो आ जाओ। तो गाइस अभी हम लोग आए ये कुतुब मीनार में, कुआं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉइन्स वगैरह लोगों ने डाल रखे हैं, मतलब सिक्के हैं जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। लगता है लोगों ने मेथड बना रखा है कि दुआ मांगो तो लोगों की ख्वाहिशात पूरी हुई। सिक्के चमक रहे हैं जितने, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये सब कॉइन्स हैं, पैसे हैं, तो लोग यहाँ आई थिंक डालते होंगे मन्नत के लिए। और जीने बहुत ज्यादा जो पुरानी में बहुत बड़े बड़े बनते थे, देख रहे हो भाई कैसे उतर रहा है, बहुत हाइट में जीने बनाए गए। इंडियन गवर्नमेंट को थोड़े से छोटे बनाने चाहिए अलग से। ओके भाई, जब आप कुतुब मीनार से इधर से चलते चलते जब यहाँ पे निकले आएंगे, प्लीज़ यहाँ से हम लोगों ने फोटो शूट किया है, कुतुब मीनार जो दिख रहा है गाइस एक नंबर, बहुत ही अच्छे फोटोज आए हैं, तो वो देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और भाई को भी फॉलो कर सकते हैं। भाई की आइडिया बताएं अपनी नाम, शाबान अली 1999। 1999। तो अभी हम लोग आए हुए हैं कुतुब मीनार, ये भी गाइस बनाया जा रहा था बट किसी कारण वजह से, तो ये गाइस किसी वजह से कुतुब मीनार अनकम्प्लीट है, ये भी बनाया जाता है सेम उस कुतुब मीनार के तरीके से, ये भी कुतुब मीनार बनाया जाता नहीं बन पाया। और ये बहुत ही अच्छा कुतुब मीनार बन रहा था, देखें जैसे कि अंदर आप कुछ दिखाई दे रहा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये भी अच्छा होता। सोचो यहाँ पे जब दो दो कुतुब मीनार होते तब बनता तो कितना खूबसूरत लगता, बहुत ही अच्छा। और ये जो सीन यहाँ पे मिलते हैं गाइस, एयरक्राफ्ट गुजरते हुए और सीन जो मिलते हैं भाई, साबान भाई कैसे मिलते हैं, मजे आते हैं? बहुत मजा आता है, मैं तो मन ही नहीं आया यहाँ से जाने का। तो रात में भी कुतुब मीनार में भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे सीन, गुड़िया बिस्तर देते नहीं तो हम तो यही रुक जाए, चारपाई खटोला वगैरह आपके लिए दिलवाते हैं यहीं पे और इसके ऊपर आपको बैठाते हैं। कुतुब मीनार के ऊपर जब बैठोगे तो बुर्ज खलीफा वाली फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी? एकदम, ये इंडिया का बुर्ज खलीफा है कुतुब मीनार, इससे बड़ा इंडिया में कोई मीनार नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार। गाइस इसका मैं एड्रेस देना चाहूंगा, ये महरौली में आता है कुतुब मीनार, और इसका टिकट है 40 रुपए, और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन भी है, आप जो शेयरिंग ऑटो करके 20 रुपए ऑटो वाला लेगा तो आप आ जाइए। संडे को ना है, टिकट नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है संडे, एक घंटा लगा है टिकट लेने में सच में। आज मजारे हैं, अब ये मजार किसी है ये मुझे नहीं पता है, पर लिखा भी कुछ नहीं है, लिखा होगा मिटाल दिया गया होगा क्योंकि इतने पुराना है, सब मिट गया होगा। और जैसे फॉरनर के साथ में हम लोग फोटो खींचाते हैं, यहाँ फॉरनर हमारे साथ में फोटो खींचा, यहाँ पे भी फोटो बहुत ही अच्छे आते हैं, फोटो सेक्शन के लिए टू गुड। यहाँ से धीरे धीरे कुतुब मीनार पूरा दिखता हुआ, वाह लव दैट। अभी गाइस जा रहे हैं कुतुब मीनार को बाहर, क्योंकि बहुत देर से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ये गाइस एग्जिट वाला रास्ता, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। बहुत देर हम लोगों ने एंजॉय किया, भाई को काफी ज्यादा मजा आया। जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे यूजर ने मारा होगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर देना, वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट जरूर करना और फलस्तीन के लिए सपोर्ट करना। अल्लाह गाइस, अभी हम लोग कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे टिक्की भाई बना रहे हैं, तो टिक्की आ चुकी है, वाह माशाल्लाह भाई टिक्की अच्छी है, 40 रुपए की प्लेट दी है, बहुत अच्छी टिक्की। गाइस अभी हम लोगों ने बर्गर भी ऑर्डर किया है, तो टिक्की का टेस्ट अच्छा था तो देखते हैं बर्गर का भी टेस्ट अच्छा हो। भाई यूपी गए इसी वजह सही है इनका, 40 की टिक्की और 30 का बर्गर। और क्या क्या बनाते हो भाई आप? और भाई पाव भाजी है, दही बल्ले है, पापड़ी चाट है, गोल गप्पे हैं। पाव भाजी की प्लेट कितने की है? पाव भाजी भाई 50 रुपए भैया, 50 रुपए की। गाइस हमारा बर्गर आज बहुत बढ़िया,
कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। अभी हमारे पास में टाइम है क्योंकि अभी बज रहे शाम के 5:30, तो रास्ते में स्टेशन एक पड़ेगी तो उसको विजिट जरूर करते हैं गाइस। मेट्रो स्टेशन से भी कुतुब मीनार दिख रहा है गाइस। फिर से हम लोग आ चुके हैं राजीव चौक, मेरी जान राजीव चौक। गाइस वन प्लस में भी फोल्ड आ चुका है, उसको चलाइए आप, जरा फोल्ड करिए इसको। तो वन प्लस में भी गाइस बहुत ही खूबसूरत फोन आया है, वन प्लस का फोल्ड जबरदस्त है। इसका कैमरा वगैरह मैं आपको इसका चेक करके दिखाता हूँ, जूमिंग गाइस 120 मेगापिक्सल का। माय गॉड 120 मेगापिक्सल बहुत खतरनाक है, 120 बहुत आउट क्लास का फोन है ये। तो एक बार अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ईमेल डालना पड़ेगा तब सब्सक्राइब होगा चैनल। तो ईमेल ये मेरे मोबाइल पर ये आप हैं गाइस। साउंड कितना प्यारा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही प्यारा है, साउंड बहुत अच्छा है। तो गाइस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी सारी वीडियो लाइक करें, प्लेलिस्ट हैं बनी हुई, प्लेलिस्ट वगैरह भी गाइस वॉच करें जरूर जरूर। और मैंने गाइस टोटल वीडियो अराउंड 218 वीडियो मैंने डाली, तो सब्सक्राइब दिस चैनल।